पता लगाया जाए तो ये पता चलता है कि ये बात सारे सिपाही से लेके सारे अधिकारी को पता है कि कहीं ना कहीं पेपर तो लीक हुआ है और ये बात सभी लोग एग्री करते हैं। सबसे बड़ी बात यही कॉन्फिडेंस हमें एक बार पॉजिटिव रहने के लिए मोटिवेट कर रहा है और हमें अभी अपना कुछ वक्त यहाँ पे और देना है क्योंकि अभी भर्ती बोर्ड की तरफ से 2 दिन का आश्वासन दिया गया है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि क्षणिक रूप में कोई भी निर्णय नहीं लिया जाता और इसमें समय लगेगा। अगर हम आप होते तो हमें आपको भी थोड़ा सा समय लेना पड़ता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना रण छोड़ के चले जाएं और इसका मतलब ये नहीं कि हम पीछे मुड़ जाएं। इसका मतलब बस ये है कि हमें डटा रहना है। रहोगे आप लोग कि नहीं रहोगे, बात नहीं मान ली जाएगी तब तक रहना है यहाँ पे। यही आपका घर है और यही आपका संसार है, आप सभी लोग यहीं पे जब तक एक फाइनल निर्णय। देखिए सबसे मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो मैं आपको बता दूं होने क्या वाला है, आज रात को 8 या 9 बजे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पे एक छोटा सा नोटिस आएगा। हम सबसे पहले रात के 8-9 बजे इंतजार करेंगे, जैसा अभी तक मैंने इससे पहले जितने भी धरना में पार्टिसिपेट किया है या अभी इससे पहले आप लोग को पता होगा UPESI में जब हम लोगों ने बात मनवाई थी तब भी यही चला था कि शाम को उन्होंने एक नोटिस दिया था। अगर नोटिस नहीं देते हैं तो हम अपनी यही ऊर्जा के साथ कल फिर जितने अध्यापक गण है, विवेक सर है, नवीन सर है, रवि सर है, मारूफ सर है, जितने भी हैं सब लोग का साथ है आपके साथ और इस ऊर्जा के साथ हम लोग यहाँ पे बने रहेंगे। रहेंगे या नहीं? भारत माता की, जय भारत माता की, जय।